भारतीय रिजर्व बैंक ने आज ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। मौद्रिक नीति समिति ने दो महीने में दूसरी बार नीतिगत दरों में 1/4% की बढ़ोतरी की है। इससे लोगों के लिए लोन लेना काफी महंगा हो जाएगा। वहीं RBI ने आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका भी जताई। जुलाई सितंबर तिमाही में महंगाई दर 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। आम जनता उम्मीद कर रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक आज की बैठक में लोगों को थोड़ी राहत देगा, लेकिन RBI ने लोगों को राहत तो दूर, नीतिगत दरों में बढ़ोतरी करके उनकी परेशानी बढ़ा दी है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 0.25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी बदलाव कर दिया है। अब नया रेपो रेट 6.5% और रिवर्स रेपो रेट 6.25% हो गया है। इससे लोगों के लिए लोन लेना काफी महंगा हो जाएगा। समीक्षा बैठक के बाद कमेटी ने बताया कि घरेलू स्तर पर खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही मानसून की चाल और वैश्विक स्तर पर हो रहे घटनाक्रम से महंगाई पर असर पड़ने का अनुमान है। इसके मद्देनजर नीतिगत दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि समिति के 6 में से 5 सदस्यों ने दरों में बढ़ोतरी का समर्थन किया, जबकि 1 ने विरोध में मतदान किया। आपको बता दें कि 6 जून को भी द्विमासिक समीक्षा नीतिगत दरों में 1/4% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही कमेटी ने वित्त वर्ष 2018-19 में देश की GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान जताया। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही में महंगाई दर 4.6%, जुलाई दिसंबर छमाही में 4.8%, जबकि अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में महंगाई दर 5% रहने का अनुमान जताया गया है। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। DB Live की रिपोर्ट।